वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं मानवी व्लॉग। और अभी सुबह के 6 बजे हैं, हम उठ चुके हैं। यहाँ मुकेश जी भी उठ के आराम से बैठे हैं, इन्होंने पानी पीना है, मैंने पानी पी लिया है। और अभी मैं बैक साइड गई। सुबह सुबह 6 बजे ऐसा मौसम हो रखा है, इतना सूरज निकला हुआ है इतना ऊंचाई तक। अभी तो बहुत काम है, मुझे एक्सरसाइज भी करनी है। सबसे पहले जब हम मॉर्निंग में उठ के ना, सबसे पहले क्या करते हैं, पानी पीने के बाद पंछियों को दाना दे देते हैं। यहाँ पे हमने रखी हुई है बाजरी, ख़त्म होने वाली है और मंगवानी पड़ेगी। तो एक मुट्ठी बाजरी इनको कबूतर को डाल देते हैं। जितनी देर ये कबूतर यहाँ पे बाजरी खाएंगे ना, इतनी देर हम बाहर नहीं निकलते हैं, अंदर ही रहते हैं। क्योंकि जो कबूतर हैं इनका बड़ा कमज़ोर होता है दिल, थोड़ी सी आवाज़ से ना ये उड़ जाते हैं, कुछ नहीं उड़ जाते हैं, बार बार कंटिन्यू खाते नहीं हैं। तो इसलिए बाजरी में डाल दी, इनको दाना डाल दिया है। अभी अंदर चली जाऊँगी, अभी कबूतर बैठे हैं उधर। अभी थोड़ी देर में आप देखोगे ना इतने कबूतर आ जाएंगे यहाँ पर बहुत। और यहाँ पर ना हमने चिड़िया के लिए ऐसे घोंसले बनाए हुए हैं, इसके अंदर 3 फैमिली रहती है, तीनों में एक एक फैमिली। तो चलो अंदर चलती हूँ, इतनी देर और काम करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं उठ गया हूँ और पीछे सोना बिस्तर समेट रही है, और अभी मैं ब्रश करूँगा, उसके बाद हम टेरेस पर जाएंगे और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। ठीक है, सारे कबूतर दाना खा ले बेटो, कपड़े लगा के आएंगे पहले? नहीं नहीं, पहले एक्सरसाइज ही करेंगे। जब खाना बनाने के लिए मैं नीचे जाऊंगी ना, तब पहले मशीन लगा देंगे, दूर जाएंगे साथ के साथ। मैंने एक्सरसाइज कर ली है और मुकेश जी ने सभी पौधों में पानी दे दिया है। क्या कर रहे हो, क्यों दिखाऊंगी? मुकेश जी कह रहे हैं मैं नहीं मिलना चाहता। क्यों नहीं मिलना चाहते आप, पता क्यों? भीड़ उठा रहे थे इसलिए। ऊपर का बादल देखो बिट्टू, वाह यार कितने अच्छे लग रहे हैं ना। यहाँ हम इसमें पौधों सॉरी पंछियों के लिए पानी डाल के रख देते हैं। और आपने ये पानी तो दे देते हो यार, ये तो निकालते नहीं घास, ये भी जरूरी है टाइम के साथ साथ।
और इस संडे तो खोदी भी करनी पड़ेगी ना। कुछ तो यहाँ पे ये बाजरे का दाना डाल देते ना पंछी, ये इन वाले पौधों में उसी से घास बहुत ज्यादा हो जाता है। आपका हो गया क्या अभी? कहाँ है? उड़ गई यार घोंसले से। मैंने घोंसले दिखा दिए थे पहले, पर ना उस टाइम चिड़िया नहीं दिख रही थी। आप ऐसे घोंसले और लेके आएंगे ठीक है? इस साइड आ जाती हूँ मैं, ये वाला घास निकाल देती हूँ। सभी पौधों में हो रखा है यार। इन घोंसलों में ना चिड़िया आ चुकी है, हम जोर से बोलते तो उड़ जाती है। देखो ये रही, यहाँ पे तीनों घोंसलों में एक एक फैमिली रहती है। ऐसे और लेके आएंगे हम, है ना? वो चीड़ी पैड़ी पे बैठी है, दिख रही है आप सबको? ये बैठी और यहाँ पे चीड़ा बैठा। हैप्पी फैमिली। मैंने एक्सरसाइज कर ली है और मेरी इतनी स्वेटिंग हो रही है, पता नहीं स्वेटिंग होती रहती है पर वजन तो कम होता ही है। अभी हम ना नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो लॉन्ड्री बास्केट है ना जो मुकेश जी ने पकड़ी है, ये पूरी भर चुकी है। तो हम सोच रहे हैं कि पहले एक साइड में मशीन लगा देंगे और आज सब्जी बनानी है वाइट चने, तो इतनी देर वो बॉयल हो जाएंगे। जब तक ये काम बनेगा ना तब उतनी देर में तड़के के लिए प्याज टमाटर भी काट लूँगी। यहाँ पे ये वॉशिंग एरिया है, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। हम सेमी ऑटोमेटिक में ही वॉश करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। यहाँ पे पूरी बास्केट हमारी भर चुकी है। अभी मैंने यहाँ पे एक साइड में चने बलने छोड़ दिए हैं, एक साइड में ग्रीन टी बन रही है और एक साइड में टमाटर। कपड़े सारे धुल चुके हैं और अभी मैं सब्जी बनाऊंगी। सब कुछ वैसे का वैसा कर दिया, का सारा काम तकरीबन हो गया। अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, टेस्टी रेडी हो लिए होंगे और मुझे अभी नहाना है और टाइम हो चुका है 8 बज चुके हैं और एग्जैक्ट 9 बजे हमें निकलना पड़ता है। अभी यहाँ पे चने की सब्जी बन चुकी है, रोटी पैक हो चुकी है और यहाँ मम्मी रोटी बना रही हैं और मानू अभी तक सो रही है, ये फुल कूलिंग करके सो रही है आराम से। तो फ्रेंड्स हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम नीचे खाना खाने के लिए जाएंगे। और आज हम दोनों ने सेम कलर पहना है। पहले मुकेश जी ने मैरून शर्ट निकाली थी, फिर मेरे को लगा यार मैं भी सेम ही पहन लेती हूँ। तो चलो चलते हैं। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। करेंगे यहाँ पे चने की सब्जी, चपाती, चाय और 2 स्वीट के लिए पेड़ी।